नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ का एक स्पेशल टॉपिक है जिसको इस समय रेलवे के एग्जामों में, SSC के एग्जाम में और जो एग्जाम होने वाला है UPSC का, इसमें हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ देता है और अधिकांश बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये इसको लगाना कैसे या फिर इसका निकालना कैसे। छोटी सी चार पांच अंकों की संख्या दे देगा और पूछ देगा कि उसका निकालिए ये निकालिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज का टॉपिक है मानक विचलन ज्ञात करना, संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात करना। देखिए जब भी जैसे ये सब टॉपिक ऐसे होते हैं मैथ के कि सभी जो अधिकांश बच्चे इसको नहीं पढ़े होते हैं, जैसे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उन लोगों को अपना प्रतिशत लाभ हानि कार्य समय ये सब अपना चैप्टर सभी लोग तैयार करते हैं, लेकिन कुछ जो जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है जिसको अधिकांश बच्चे तैयार नहीं कर पाते हैं वो सब ये सब टॉपिक होते हैं, जिसे एक नंबर या दो नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया और अधिकांश बच्चे लगा ही नहीं पाते हैं। वो लोग अपना प्रतिशत लाभ हानि सब चैप्टर को तैयार किए रहते हैं, अभी एक दो क्वेश्चन आए थे तो हल नहीं हो पाता है। रेलवे में तो एकदम कंफर्म, रेलवे में और UPSC का एग्जाम होने वाला है उसमें तो एक नंबर या दो नंबर का ये इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये सेमेस्टर में भी है, UPSC के BEd के सेमेस्टर में भी है और जो भी रेलवे और ये रेलवे का जो भी एग्जाम होता है ग्रुप डी या NTPC या जो भी एक्सीडेंट लोगों पार्ट उसमें जरूर क्वेश्चन एक टॉपिक इस टॉपिक से एक या दो जरूर पूछ देता है। और ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक या मैथ पढ़ना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरे YouTube चैनल के नाम के बगल में एक रेड कलर की बटन होगी सब्सक्राइब, उसको क्लिक करेंगे तो उसके जस्ट बगल में आएगा बेल की सिंबल आता है घंटी की तरह, उसको क्लिक करेंगे तो जब भी हमारा कोई भी वीडियो पड़ेगा YouTube पर तो वो आपके पास तुरंत आ जाएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैथ का वो टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जो अधिकांश किताबों में या अधिकांश बुकों में नहीं दिया गया होता, लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दो क्वेश्चन अगर आते हैं तो जल्दी किसी से लगते नहीं है। और एक बार ध्यान दीजिए, जो भी समान प्रश्न होते हैं मैथ में गणित में वो सभी बच्चे कर जाते हैं, तो जो बनती है किसी भी कंपटीशन की मेरिट वो उससे नहीं बनती है जो क्वेश्चन समान है, उससे बनती है जो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं अतिरिक्त जो चैप्टर से पूछे जाते हैं प्रश्न उससे बनती है मेरिट, जो उसको किया उसका वो मेरिट में आएगा, जो नहीं किया वो मेरिट से बाहर है। आइए तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं मानव विचलन का। इसमें देखिए संख्याओं का आता है, इसमें दो टॉपिक में इसको समझते हैं। देखिए एक आता है पहले ग्राफ का निकालने के लिए मानव विचलन, तो ग्राफ वाला बहुत लंबा लंबा आता है, वो थ्योरेटिकल में जैसे हुआ CDS हुआ NDA हुआ या फिर कोई अगर सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा है तो उसमें आता है कि निकालने के लिए मानव विचलन ग्राफ वाला, लेकिन जो कॉम्पिटिशन में आता है वो संख्याओं का पूछता है, संख्याओं का मानव विचलन ज्ञान करने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं संख्याओं का मानव विचलन। देखिए संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात करने के लिए एक पहले इसका देखिए पहले सूत्र होता है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, संख्याओं के जो बीच का जो अंतराल होता है उसी को बोलते हैं मानक विचलन। तो इसको निकालने के लिए पहले एक एग्जांपल को समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आंकड़े हैं A1 A2 A3 A4 मान लीजिए चार संख्याएं दी गई, बोलेगा कि इसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मानक विचलन निकालने का तरीका होता है पहले संख्याओं का निकालेंगे औसत या माध्य, सबसे पहले क्या निकालते हैं संख्याओं का औसत, तो उसे बोलते हैं पहले A बार को बोलते हैं औसत या माध्य। तो क्या होगा अभी आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया है, उसका लिंक भी आपको हम दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में कि उसमें कैसे निकालते हैं संख्याओं का माध्य या औसत। तो इसका पहले माध्य निकालेंगे तो क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बटे 4। इससे पहले क्या निकालेंगे माध्य, तो जो भी इसका माध्य आएगा जो भी इसका मान आएगा अब उस माध्य को इस संख्याओं के अलग अलग में उसको घटाते हैं, जब भी इसका माध्य आएगा तो उस माध्य का जो मान प्राप्त होगा उससे इस अलग अलग संख्याओं में उसको घटाते हैं और घटाने के बाद क्या करेंगे वर्ग करेंगे। देखिए जैसे A- -A1 फिर इसका करेंगे वर्ग, फिर सबको जोड़ देते हैं, तो पहले अलग निकाल लीजिए A- -A2 फिर इसका वर्ग करेंगे फिर A-
माइनस ए थ्री, फिर इसका वर्ग करेंगे, फिर ए डैश माइनस ए फोर, फिर इसका वर्ग करेंगे। अब देखिए इन सभी को जोड़ देंगे, हमेशा क्या करते हैं इन संख्याओं का अलग अलग निकाल के क्या करेंगे सबको जोड़ देते हैं। अब हाँ इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, जिसे बीच में चिन्ह क्या लगा दीजिए प्लस का, सबको जोड़ देंगे। अब देखिए आपका आ गया मान लीजिए, अब निकालते हैं मानक विचलन, मानक विचलन बराबर देखिए जो ये मान प्राप्त होगा तो इसको लिखते हैं अंडर रूट में, लिखते हैं अंडर रूट में, हाँ जिससे इन संख्याओं को जो मान लीजिए कोई मान प्राप्त हुआ पी, या इसी को बोलते हैं समेशन एक्स बार माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसी को कहा जाता है समेशन एक्स बार, मतलब संख्याओं का औसत, या इसको ए मान लीजिए सबसे बढ़िया रहेगा ए बार माइनस एक्स, संख्याओं का माध्य औसत में से संख्याओं को घटा के वर्ग करके जोड़ते हैं, इसी को पढ़ा जाता है समेशन ऑफ ए बार माइनस एफ एक्स, इसी को पढ़ते हैं। तो क्या होता है मानक विचलन का सूत्र क्या होता है, समेशन ऑफ ए बार माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे एन, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स या आंकड़ों की संख्या, या कितने इसमें पद है, तो ये होता है आपका आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ये आपका ऐसे ही निकालते हैं संख्याओं का मानक विचलन, ये आपका फॉर्मेट था ऐसे ही इसी का प्रारूप है निकालने का। अब देखिए आपको इसको निकालने के लिए वो आपको सूत्र बताते हैं, ये तो मान लीजिए तुम इसका फॉर्मेट था, इसी को पहले सवाल हल करते हैं कि पहले एक क्वेश्चन लेके हल करते हैं संख्याओं का कि ऐसे निकालने तो कितना आता है। अब देखिए देखिए जिसे कोई संख्या लेते हैं, जिसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है कि संख्या 6, 9, 5, 4, 3 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसका दे देगा कि यदि मानक विचलन ज्ञात कीजिए, तो सबसे आसान होता है क्या बताएं आपको, सबसे पहले क्या करेंगे अब संख्याओं का क्या निकालेंगे माध्य, तो पहले क्या निकालेंगे संख्याओं का माध्य, माध्य या ए बार क्या होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। देखिए संख्याओं का योग क्या है 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 बटे 5, तो कितना है आपका 6, 4, 10, 5, 15, 15, 12, 27 आएगा। थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए इसको 2 कर लीजिए, ताकि इससे क्या हुआ आसानी से कट के संख्या आ जाए, कितना का 9, 6, 15, 5, 20, 5, 25, यहाँ पर कोई भी मान आएगा उसका अगर पॉइंट में आएगा तब भी लगेगा, लेकिन उसको हल करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, समझने के लिए आसान वाला संख्या लेते हैं 5 आएगा, मान लीजिए ए बार 5 आएगा, तो अच्छा फिर क्या बताए क्या निकले समेशन ऑफ ए बार माइनस एक्स, तो मतलब इस जो आया आपका माध्य इसको प्रत्येक संख्या में से घटा घटा के उसका वर्ग निकालिए, जिससे देखिए हाँ 5 में से 6 घटाएंगे पहले संख्या इसका वर्ग प्लस 5 में से 9 घटाएंगे इसका वर्ग प्लस 5 में से 5 घटाएंगे तो इसका वर्ग प्लस 5 में से 2 घटाएंगे तो इसका वर्ग प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो इसका वर्ग। अब देखिए क्या आता है आपका माइनस एक का वर्ग 1 होगा, यहाँ 4 आएगा 4 का वर्ग 16 आएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 3 का वर्ग 9, यहाँ 2 का वर्ग 4, कितना 16, 4, 20, 10, 30 आया, 30 आया, तो आपका क्या होगा मानक विचलन, क्या बताया कर्णी में ये मान बटे यन, तो देखिए क्या आएगा 30 बटे संख्या कितना 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, कट जाएगा 6 आएगा, तो क्या आएगा मानक विचलन कर्णी में 6, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे ही निकालते हैं संख्याओं का मानक विचलन, जब भी कोई संख्या दिया रहेगा कैसा भी संख्या हो बस
एक एग्जाम्पल से समझ जाइए। देखिए एग्जाम्पल देने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे देखिए ऐसा कोई भी संख्या दिया रहेगा तो उसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, मध्य निकालेंगे, फिर उसके बाद संख्याओं में क्या करते हैं, अलग अलग घटा के संख्याओं का वर्ग करके जोड़ देते हैं। अब उसके बाद मध्य का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ए बार माइनस एक्स बटे एन, तो इसी पर रख देंगे ये मान निकाल के, और जितनी एन उस आंकड़ों में कितनी संख्याएं दी है उसी से भाग देंगे और इसका मान वैसे कितना कौड़ी में आएगा तो रख देते हैं, वही आंसर होता है। इसका मान आया कौड़ी में छह, क्या होता है आंसर आता है। अब देखिए जो आता है जिसे मान लीजिए आंकड़ों का पूछता है परास ज्ञात करने के लिए, ऐसे में पूछता है यदि आंकड़ों का परास ज्ञात करना हो तो देखिए जब भी यदि परास या रेंज उसे बोलते हैं, देखिए जिसे मान लीजिए दिया परास, हाँ जी दिया मान लीजिए परास या इसे बोलते हैं रेंज, जब भी किसी आंकड़ों का रेंज ज्ञात करना हो तो जिसे देखिए हमेशा उसका सूत्र होता है रेंज बराबर आर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, जब भी यदि आंकड़ों का रेंज ज्ञात करना हो तो हमेशा क्या करते हैं रेंज बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, एकदम आसान होता है, बस एक मिनट का वीडियो देखिए तुरंत पकड़ लेंगे। देखिए जिसे आंकड़ा दिया है संख्या, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि संख्या 6, 9, 25, 10, 7 का परास बताइए, परास परास या रेंज इसी को बोलते हैं। तो देखिए क्या बताया उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो आर बराबर रेंज क्या, देखिए उच्च सीमा इसमें क्या है 25 और निम्न सीमा 6, तो दोनों का अंतर क्या होता है वही परास होगा, 25 माइनस 6 क्या आएगा आपका 19, ये क्या होगा आपका रेंज हो गया परास। जब भी कोई आगा दिया रहेगा उसे पूछेगा परास पूछेगा तो तुरंत उच्च सीमा में से क्या करते हैं निम्न सीमा को बढ़ा देंगे, वही क्या होता है आपका आंसर होता है। अब देखिए इसी में पूछता है कि संख्याओं का प्रसरण, अब एक ही वीडियो में सारा चीज तैयार कर दीजिए। देखिए जिसे पूछता है प्रसरण ज्ञात करना तो उसमें मानक विचलन दिया जाता है, जिसे देखिए पूछता है संख्याओं का प्रसरण पूछता है ज्ञान करने के लिए जिसमें मानक विचलन दिया गया होता है, तो देखिए एक सूत्र होता है फॉर्मूला होता है, इसको दिमाग में सेट रखिए। देखिए होता है प्रसरण बराबर मानक विचलन इसका वर्ग होता है। जब भी सवाल में यदि मानक विचलन दिया है आप पूछेगा प्रसरण तो मानक विचलन का वर्ग कर देंगे तो क्या निकल जाता है इसका प्रसरण। जब भी कोई संख्या दिया है जैसे इस सवाल में हमेशा ये दिया रहेगा जरूर मानक विचलन दिया रहेगा, पूछेगा प्रसरण तो उसे क्या करेंगे सीधे वर्ग कर देते हैं। जिसे पूछेगा सवाल करके कि क्वेश्चन दे दिया कि यदि एक आंकड़ों का मानक विचलन 14 है तो उसका प्रसरण क्या, तो उसका प्रसरण बताइए, तो उसका प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रसरण अगर ज्ञात करना हो तो एकदम आसानी से क्या करते हैं प्रसरण बराबर सीधे 14 का वर्ग कर दीजिए, कितना आएगा 196, क्या होता है आपका आंसर होता है प्रसरण का। इस अगर सूत्र को याद रख रहेंगे तो तुरंत लगा लेंगे, जब भी प्रसरण का सवाल पूछेगा तो उसमें मानक विचलन दिया गया होता है। बस इसके बाद जो अगला वीडियो पड़ेगा वो आपको अगला टॉपिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक का पड़ेगा, और उस वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जितने भी कॉम्पिटेटिव छात्र हैं उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंच जाए।